हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज के स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, जो हर बार से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कॉमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे आपकी जीके जैसी क्लास चलती है। आज करंट अफेयर की क्लास हुई है, उस क्लास को जाके देख लेना। दो क्लास हुई है, एक कल हुई है, एक आज हुई है, तो दोनों क्लास को देख लेना। उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। हिंदी की 3 बजे क्लास होती है, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की जो क्लासेस होती हैं 6:30 बजे होती हैं, ठीक है। हिंदी का हैंडी टेन आप सभी को पता है कि मैं नोट से सेल कर रहा हूँ। इसका जो प्राइस रखा गया था 20 रुपये रखा गया था, बट आजकल आप लोग इसे मात्र 10 रुपये में ले सकते हो और कल तक ही इसको जो है सेल किया जाएगा, कल के बाद बंद हो जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है 93055487134 पे आपको जो है व्हाट्सअप करना है कि मुझे हिंदी का हैंडी टेन नोट्स 10 रुपीज़ वाला लेना है, तो आप मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इससे कम पैसों में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और बेहतरीन कंटेंट है। डायरेक्टली आपको मेरी नोट्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि जो भी बीएड परीक्षा की अपडेट हैं, क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। पहला प्रश्न है, भारतेंदु ने हिंदी किस पत्रिका का जो है संपादन किए थे? बताइए भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा या भारत बंधु? बताइए सब लोग, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं अपने का आप काम कर लूँगा, मैं आप शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। आप यह आपका निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे स्वयं कार्य कर लिया जाए तो वहाँ पे आपका जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य का, आलसी, अलस, आलस या आलसीपन। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो आलस्य शब्द का देखिए जो विशेषण होगा आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्थ के दृष्टि से 3 शब्द समान हैं और एक उनसे भिन्न है, तो भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। इसमें आपका भिन्न कौन सा है बताइए। इसमें 54 को जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक भी कर दो सब लोग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कौन सा, इसमें आपका विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका लोकवक्ति है। लोकवक्ति का अर्थ क्या होता है कि होनहार विद्वान के होत चीक ने पात। लोकवक्ति का अर्थ क्या होता है? होनहार विद्वान के होत चीक ने पात। लोकवक्ति का अर्थ क्या है कि होनहार बालक के लक्षण जो है बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार या वक्रोति अलंकार? जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए इसमें। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें चारों में से? फटाफट आंसर करिए सब लोग। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए इसमें आप। तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य ये वाला कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत युग्म चुने आप लोग, गलत युग्म इसमें कौन सा है? 59 का जवाब दीजिए। गोदान प्रेमचंद जी की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, साकेत मैत्रीचरण गुप्त की है, रंगभूमि महादेवी वर्मा की नहीं है, ये भी प्रेमचंद की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है बताइए। फटाफट जवाब दीजिए। इसमें आपका ये उपसर्ग रहित शब्द है, बाकी ये आपके सब हैं। आ हो जाएगा इसमें, उप हो जाएगा इसमें, निर हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं, कुछ ठीक हैं, जिसमें त्रुटियां हैं तो उसको बताइए, नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं आपको सिलेक्ट करना है। 61 का जवाब दीजिए। इसमें गद्यांश भी है अभी लास्ट में, और गद्यांश के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
यहाँ पे आपका पूर्व वशा संकुचित है, ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये इसमें आपकी त्रुटि थी सी वाले में। उसी प्रकार इसमें बताना है कि इसमें त्रुटि है 62 में। यहाँ पे भारतीय किसान नहीं होना चाहिए, भारतीय, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताइए ये देने का अनुग्रह करें, इसमें आपकी त्रुटि है। निम्नलिखित शब्दों के चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। जैसे दूध का समानार्थक क्या होता है, दूध का, दूध का होता है स्तन्य, क्या होता है स्तन्य। अगला प्रश्न, हाथ का क्या होता है, हाथ का, हाथ का होता है पाणी, ऑप्शन ए। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, अनुकूल का, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल, क्या होता है प्रतिकूल होता है, ऑप्शन ए। आगे डॉट पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान का जो है सही शब्द क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, झरना आएगा, कुआं आएगा, पहाड़ आएगा, नदी आएगा, क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पे आएगा कुआं, कि आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होगा बताएंगे सब लोग, चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकवक्ति का सही अर्थ है क्या, इसका सही अर्थ होता है चोर का जो है स्वयं डरना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, इंद्र का, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, शक्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए बताइए, इसमें कौन सा है, ये वाला, कि भक्तों की मंडली जा रही थी। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में संधि कौन सी है, चंद्रोदय में संधि कौन सी है बताइए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। तो चंद्रोदय में संधि है गुण संधि, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्विवाद में कौन सा समास है, निर्विवाद में, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है बताइए, अपकर्ष होता है, परामर्श होता है, संघर्ष होता है या विमर्श होता है, तो उत्कर्ष का विलोम बताइए सब लोग क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, क्या होता है अपकर्ष, ऑप्शन ए। जिसके द्वारा जो है अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अभियोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। मांगना होता है, क्या होता है मांगना, असंगत पर्यायवाची इसमें है कौन सा, असंगत मनमुटाव का हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्रिया, क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये गद्यांश है, देखिए गद्यांश करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे व्यक्ति की पहचान किससे होती है, उसकी भाषा से, उसके पहनावे से, उसके खान पान से या उसकी शिक्षा से, इसका उत्तर आपको डायरेक्टली आपको यही गद्यांश से ही देखने को मिलेगा। तो एक्स्ट्रा माइंड आपको नहीं यूज करना है कि इसमें से आप सेलेक्ट कर लो कि ये होगा उसके पहनावे से होगा। तो व्यक्ति की जो पहचान होती है, मैं आपको उत्तर यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, व्यक्ति की पहचान किससे होती है, यहाँ पे देखना, ये पहले लाइन में ही लिखा हुआ है कि व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उसकी भाषा से, पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है एग्ज़ाम हॉल में भी, बाकी समय बहुत मिलेगा आपको, परेशान नहीं होना है। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, फिर सेकेंड मीटिंग वाला भी पेपर 3 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं कि सर मेरा लैंग्वेज गड़बड़ हो गया है, मुझे करना था हिंदी, इंग्लिश हो गया है, इंग्लिश करना था हिंदी, ये मतलब अब भाई कुछ नहीं होने वाला है आपका। जैसे ग्रेजुएशन में स्ट्रीम आपका आर्ट था, गलती से साइंस कर दियो तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, उसका ही आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, ठीक है।
आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है, तो इसका भी उत्तर आपको यही गद्यांश से मिलेगा, उसके संस्कार कैसे होते हैं आदमी की भाषा से उसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा के कौशल कौन से हैं, भाषा के कौशल कौन से हैं, तो ये भाषा के कौशल हैं। ठीक है, ये आपके सब। ठीक है, चलिए, भाषा कब सही आकार पाती है, तो भाषा देखिए जो सही आकार पाती है जब मनुष्य पढ़ने लिखने और बोलने के अतिरिक्त सोचता और महसूस करता है तभी भाषा सही आकार पाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भाषा किसके बिना जीवंत जो है नहीं हो सकती है, कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती है, तो कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती है, व्यवहार में लाए बिना नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अपमान में उपसर्ग बताइए, अपमान में 83 का जवाब दीजिए, अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, अप उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, घुमक्कड़ में प्रत्यय बताना है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेरी नोट्स से देखने को मिल रहे होंगे, लगातार क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे। तो घुमक्कड़ में देखिए जो आपका प्रत्यय है वो है अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, बी वाले में जो दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए, डिबिया में प्रत्यय बताइए, डिबिया में प्रत्यय कौन सा है, तो डिबिया में आपका जो प्रत्यय है ईया प्रत्यय है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिगु समास का उदाहरण कौन सा है, दिगु समास का उदाहरण कौन सा है। 86 का जवाब दीजिए सब लोग। तो दिगु समास का उदाहरण इसमें नवग्रह, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। ठीक है, चलिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्ठी या ब्राही। पंजाबी भाषा तो गुरुमुखी में लिखी जाती है, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए, सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है, सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में वर्तने के अनुसार जो है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, नवासी का जवाब दीजिए। और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी टू मॉडरेट आएगा। तो यहाँ पे नवासी में जो आपका सही है पहला वाला ही सही है, अनुषांगिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है नीरद। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए शब्द होगा क्या, दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि, दत्तचित्त या जितेंद्री। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए शब्द होगा क्या, जितेंद्री होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपको बताना है। आह शब्द है क्या, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो आह शब्द आपका अव्यय है, नोट्स में आपको बताया था अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, रट लेना उसको आप लोग। ठीक है, चलिए, पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है, इलायची अच्छा होता है कि अच्छी होती है, अच्छी होती है ना, प्यास भी स्त्रीलिंग है आपका, पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी, पवन का छंद विच्छेद क्या होगा, पवन का, कल संधि की नोट्स दिया था ना, ये दोनों क्वेश्चन मिले हैं कि नहीं मिले हैं मेरी नोट्स में, पवन का छंद विच्छेद क्या होगा, पोधन अन हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बताइए संधि कौन सी है, ऐद संधि कौन सी संधि, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। विद्यार्थी का जो है बताइए, विद्यार्थी का संधि विच्छेद भी बताइए और संधि कौन सी यह भी बताइए। विद्या धन अर्थी होता है ना इसमें, विद्या धन अर्थी, आ प्लस आ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का, दिग्भ्रम, दिक् धन भ्रम, इसका छंद विच्छेद होगा, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये आपका चिन्ह, ये किसका चिन्ह है, विराम चिन्ह से 100% क्वेश्चन आएंगे, तो विराम चिन्ह जितना भी मैं दिया हूँ ना उसको अच्छे से लर्न कर लेना, और 10 रुपये का नोट ले लीजिए आप लोग भी, अगर आपकी हिंदी नहीं सही है तो। कम समय में अच्छा कंटेंट दिया हूँ मैं और लर्न करके अच्छा स्कोर भी कर सकते हो आप लोग। तो आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह है आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, अल्प विराम ये होता है, विस्मय बोधक ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था कौन सा कारक है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, यहाँ पे में है ना तो अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे किस समास में तत्पुरुष समास है, पंचवटी में दिगु समास है, ग्रहागत में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आसुमाली में कौन सा समास है, आसुमाली में
इसमें बहुव्रीही समास हो जाएगा। ठीक है शो फ्रेंड्स, ये थी जो है हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन बिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आए या क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर आप चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।